थोड़ी देर मुत्तहिद होकर बैठे आज के इस प्रोग्राम की आखिरी कड़ी, जिन्हें हम आप सदरे जलसा के नाम से जानते हैं। सामने वाले साइड वाले भाई सामने आने की कोशिश कर रहे हैं और मीडिया वाले असद भाई माशाल्लाह बहुत ज्यादा है। मैं असद साहब के हवाले से एक शेर बोलता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह सदरे जलसा को आपके रूप में बोलूंगा। शायद शायद के सितारे हम लोगों के लिए जगमगाए, शायद के सितारे हम लोगों के लिए जगमगाए हैं, इसीलिए आज के इस जलसा में असद भाई अपने मीडिया के साथ तशरीफ लाए हैं। आइए अब मैं बिना किसी तमहीद ताखिर के मुअक्कर उस्ताद जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती मुजाहिदुल इस्लाम साहब कासमी दामत बरकात हूँ, उस्ताद मुफ्ती मदरसा रहमानिया सुपौल, जिनका इस्तकबाल मैं नशार के साथ करता हूँ। आपकी यकताई रंग रंग में छाई है, आपकी यकताई रंग रंग में छाई है, सारा मजमा आपके जलवाओं का तमाशाई है। आपकी यकताई रंग रंग में छाई है, सारा मजमा आपके जलवाओं का तमाशाई है। ए बुलबुले सैयदा तूने सुना है हंस हंस कर, ए बुलबुले सैयदा तूने सुना है हंस हंस कर, अब जिगर थाम कर बैठो जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती मुजाहिद साहब की बारी है। नारे तकबीर, नारे तकबीर जनाब मुफ्ती मुजाहिदुल इस्लाम साहब, उलमा देवबंद बासिंदगाने फतन, नारे तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أحرى أن يؤجل الله العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم أو كما قال عليه الصلاة والسلام। हजरात गिरामी बुजुर्गान मोहतरम, ईशा के बाद से लेकर अभी तक जबकि 12 बजने के बाद सिर्फ घड़ी ही में 12 नहीं बजते हैं, हर आदमी के ऊपर 12 बजने लगता है, नींद का खुमार गालिब होने लगता है और आदमी सोने की कोशिश करता है, सोना भी चाहिए इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रात को सोने के लिए बनाया, आराम करने के लिए बनाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद फरमाया वजअलना नौमकुम सुबाता, कि हमने तुम्हारे लिए तुम्हारी नींद को राहत की चीज बनाया है। अगर आदमी पूरे दिन सोया है लेकिन अगर रात में ना सोए तो रात की नींद की कमी दिन का सोना पूरा नहीं कर सकता। लेकिन बहरहाल आप हजरात की हिम्मत, आप हजरात का हौसला ये काबिले दाद भी है और काबिले दीद भी है कि आप हजरात की जवान मर्दी के साथ नींद को बर्दाश्त करते हुए आप हजरात यहाँ तशरीफ रखे हुए हैं। हमारी मां बहनें भी यहाँ मौजूद हैं, इसलिए अब ज्यादा वक्त नहीं लिया जाएगा। 2 बजे इंशाल्लाह दुआ हो जाएगी, सिर्फ 25 मिनट बाकी है पूरी दिलजमी के साथ। अब गौर से उन बातों को सुने जो हमारे उलमाए किराम ने बयान किए हैं, उनके तकरार अपने दिलों में, उसका तज़किरा अपने दिलों में करें और जो बातें कही जा रही है उसके ऊपर भी अमल करने की कोशिश करें। हजरात गिरामी आप हजरात जनाब हाफिज मोहम्मद रिजवान साहब की निजामत, जनाब मौलाना मुर्तजा साहब की तिलावत, जनाब हाफिज आजाद और हाफिज जैनुल आबिदीन, हाफिज जावेद सल्लल्लाहु की नाज शरीफ और नजराने अकीदत, उसके अलावा जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती अरमान साहब दामत बरकातुह की खिताबत, जनाब मौलाना अब्दुल जब्बार साहब कलीमी की
शानदार खिताबत और जनाब हाफिज हाफिज़ो मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा साहब की दिल पसंद तकरीर और जनाब हजरत हाफिज बदरुल हक साहब की सरपरस्ती और आप हजरात का गौर से सुनना, ये सब के सब अल्लाह के दरबार में अल्लाह करे कबूल फरमा ले और हम तमाम हजरात का यहाँ बैठना बैठाना सुनना सुनाना कबूल फरमा ले। हजरात गिरामी हक ये था कि आप हजरात छोटे से प्रोग्राम को भी मिलाद को भी जलसा बनाने की सलाहियत रखते हैं और आप हजरात इतना गौर से सुनते हैं कि सुनाने वाला भी नहीं थकता है और आप हजरात भी नहीं थकते हैं। जनाब अब्दुल रहमान साहब के साहबजादे जनाब हाफिज नौशाद साहब ने ये मजलिस सजाई, लेकिन आप हजरात की मोहब्बत इतनी ज्यादा है कि आप हजरात ने उनकी दावत पर लबैक कहा, हजरात उलमाए किराम को तशरीफ लाए ही और आप हजरात ने पूरे दिलजमी के साथ पूरे गांव के इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ यहां जमा हुए हैं, मुझे इससे बढ़कर के कोई खुशी हो ही नहीं सकती। इसलिए कि इससे पहले मैं चंद प्रोग्राम में आया था, गांव का जो उस वक्त नक्शा हो चुका था, गांव की जो उस वक्त सूरत हाल हो चुकी थी, दिल रोता था और आंखें अल्लाह के दरबार में आंसू बहाती थी। आज मैं गवाह बनाता हूँ जनाब हाफिज बदरुल हक साहब का मकबरा को कि जब भी उनसे मेरी मुलाकात होती तो मैं आपकी बस्ती यानी भदौर की सूरत हाल के बारे में उनसे दरखास्त भी करता और सूरत हाल मालूम भी करता। आज अगर मैं बयान न भी करूँ कुछ न भी कहूँ तो मेरा दिल बहुत खुश है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात की इत्तेहादत के पाप में एक नया सबक दिया है। अल्लाह करे कि आप लोग नजरे बस से महफूज हो जाए, अल्लाह न करे किसी की नजर लग जाए और अल्लाह न करे किसी की बहकावे में आ जाए और हमारी जान हमारी मेहनत हमारा हमारे मेहनत से कमाया हुआ पैसा दूसरे रास्ते में खर्च हो जाए। अल्लाह करे हमेशा हमारी बस्ती को और हम तमाम लोगों को बचाए। आमीन या रब्बल आलमीन। हजरात-ए-गिरामी मौजूद है, मैं दो तीन बातों की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। तकरीर तो हजरात-ए-गिरामी की हो चुकी है। पहली बात तो ये कि आज बार बार तज़किरा आया हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का। मैं अपने मुताला की रोशनी में हजरात-ए-गिराम से और आप हजरात से भी मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि यह हजरत हुसैन या हजरत हसन के साथ इमाम का जो साबका लगा हुआ है ये भी दरअसल दुश्मनों की इजाद करता है। आप हजरात को मुताला करना चाहिए। आरहसनुल फतावा के अंदर हजरत ने तफसील से लिखा है कि शिया हजरात का अकीदा है कि 12 इमाम आएंगे, उसमें से 11 इमाम आ चुके हैं, हजरत हसन हजरत हुसैन उसके अलावा इमाम बाकर इमाम जाफर सबके साथ इमाम लगाते हैं। इमाम का माने पेशवा और रहनुमा के हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद सबसे बड़े इमाम और पेशवा हमारे लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं, लेकिन उनके साथ इमाम नहीं लगाते हैं। हजरत उमर के साथ इमाम नहीं लगाते हैं। हजरत उस्मान के साथ इमाम नहीं लगाते हैं, लेकिन इमाम लगाते हैं तो हजरत हसन हुसैन के साथ, क्योंकि उनका अकीदा है कि बारे में इमाम सुरमन और आधार में छुपे हुए हैं जो कुर्ब कियामत में निकलेंगे। इसलिए मैं अपने उलमाए किराम से भी और आप हजरात से भी ये दरख्वास्त करता हूँ कि सिर्फ हजरत हसन और हजरत हुसैन के साथ इमाम का लगाया जाना ये दरअसल शिया का इजाद करता है, उससे अपने आप को बचना चाहिए और अपनी जुबान को भी बचाने की कोशिश करनी चाहिए। बारहा इन दिनों में हमें क्या करना चाहिए उलमाए किराम उसकी तरफ तवज्जो दिलाई। सिर्फ मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने नौज बिल्ला हुकूमत के खातिर या बादशाहत की खातिर या कुर्सी के खातिर अपनी जान नहीं निकाल दी, अपनी जान को कुर्बान नहीं किया। आज वो जानते हैं कि कुर्सी हासिल करने के लिए चाहे दूसरे की इज्जत दूसरे के माल को बर्बाद करें दूसरे की जान लें तब भी करने के लिए तैयार हो। अभी पंचायत इलेक्शन आने वाला है, देखिएगा
कौन आदमी किसको गिराने के चक्कर में रहेगा। आजकल तो ये वार्ड मेंबर की भी अहमियत पड़ गई है। हर आदमी चाहेगा कि मैं बनूं और उसमें आपस में इख्तलाफ और इंतशार के लोग शिकार हो गए। इसलिए भाइयों हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला ने दीन की खातिर अपनी जान अल्लाह के सुपुर्द की है। तो हम और आपको बताइए कि जिन्होंने दीन की बका दीन की इशाक के खातिर जान दी हो और हम और आप उनके नाम पर गुनाह का काम करें, ये बताइए कि उनकी रूह को तकलीफ होती होगी या नहीं। हर आदमी जानता है उनकी रूह को तकलीफ होती होगी, बल्कि शहदा अपने कब्रों में जिंदा है और जब जिंदा है तो हमके ऊपर मातम क्यों करें। उलमाए किराम ने ये बातें बतलाई। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ बड़े अदब के साथ, हमारा नौजवान तबका या हमारे बूढ़े लोगों का तबका खास तौर पर ऐसे मौके पर या अली या हुसैन का नारा लगाता है। हालांकि जानते हैं कि या अली या हुसैन का नारा किन लोगों ने लगाया, उन दुश्मनों ने लगाया जिन दुश्मनों ने हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला को शहीद किया। उन्होंने आप रजी अल्लाह तआला के सर मुबारक को नेजे पर तलवार पर उठाया और उस वक्त या अली या हुसैन कहा कि अली तुम्हारे खुदा कहाँ गए, हुसैन तुम्हारे खुदा कहाँ गए कि तुमको बचा भी नहीं सके। हम और आप इतने भोले वाले इंसान हैं कि हम भी जो लाठी खेलते वक्त कूदते वक्त, आजकल तो लाठी सिखाया नहीं जाता है, पहले जमाने में लोग एक आदमी अगर कोई लाठी अच्छी तरह से सीखता था अगर जानता था तो अपने पीछे सैकड़ों लोगों को तैयार कर देता था और उनके पीछे एक मकसद हुआ करता था। लेकिन हम आप ये कहते हैं कि आजकल की सूरत हाल यह है कि आजकल लोग लाठी चलाना सीखते नहीं है बल्कि वो तो गाना बजाना पर नाचते हैं। नाचने में और आजकल की सूरत हाल में कोई फर्क नहीं है। इसलिए हर आदमी ठंडे दिल से ये सोचिए कि जो चीज अच्छी हो उसे लेनी चाहिए और जो चीज बुरी हो उससे तौबा करनी चाहिए। यही आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत भी है, कुरान करीम के अंदर ये मौजूद है, मा आताकुम रसूल फखुजूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, कि रसूल जो तुम्हें दे उसे ले लो, आज जिस चीज से रोक दे उसे रुक जाओ। हम आराम से जानते हैं हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला की जान ले लेना ये जुल्म था, जमीन पर ये ज्यादती थी और दो गुनाह ऐसा है जिसकी सजा अल्लाह तआला दुनिया में देते हैं। आखिरत में तो जो अल्लाह को करना होगा वो तो करेंगे ही। उसी सिलसिले में मैंने हदीस शरीफ पढ़ी है कि दो गुनाह ऐसा है, दो बुराई ऐसी है जिसकी सजा अल्लाह तआला दुनिया में भी देते हैं। पहला गुनाह जुल्म ज्यादती है, आपने किसी गरीब को एक तमाचा मारा, एक लाठी मारी, आप गांव के जजरैयत है, जमींदार है, वो गरीब आकर कुछ नहीं कह सकता है, बदला नहीं ले सकता है, तो अल्लाह ताला ऐसे जुल्म की सजा दुनिया ही में दिला देता है। ऐसा आदमी तैयार हो जाता है कि जजरैयत को भी मारने वाला पैदा हो जाता है। ये जुल्म सबसे बड़ा जुल्म हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला की शहादत थी। उस जुल्म की सजा अल्लाह तआला ने मुशियों को दुश्मनों को ये दी कि आज उन्हीं के खानदान के लोग उन्हीं की औलाद दर औलाद के लोग आग पर चल रहे हैं। ये जुल्म की सजा है या नहीं। लोग भले हाथ में लेकर के जो अपने सीना पर मारते हैं उससे खून बहाते हैं, लोग क्या करते हैं जंजीर से मारते हैं, ये जुल्म की सजा अल्लाह तआला ने दुनिया में दी और कयामत तक ये जुल्म की सजा उनको भोगना पड़ेगा। हुआ ये क्या मामला कि जिन लोगों ने हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला को शहीद किया था हर तरफ से घेरे में आ गए थे कि लोग अब हमको बुरा भला कहेंगे, तो उन्होंने ये सोचा कि चलो उनकी मोहब्बत में ताजिया बना लेते हैं, उनकी मोहब्बत में हम जो है दसवीं मुहर्रम को जो खेल कूद करते हैं ताकि लोग समझेंगे हम मोहब्बत करने वाले हैं। जैसे कि किसी गांव में अगर कोई चोर चोरी करने के लिए आए और अगर वो समझ ले कि अब हम गांव वाले से पकड़े जाएंगे तो वो भी गांव वाले के साथ वो भी हंगामा करना शुरू कर देता है ताकि लोग समझे कि ये चोर नहीं है।
यही हाल हुआ हमारे दुश्मनों ने, जिन लोगों ने शहीद किया था हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को, अब उन्होंने ये समझा कि पूरी दुनिया मुझे बुरा भला कहेगी, मलामत करेगी, तो उन्होंने ये सोचा कि चलो मोहब्बत का दावा करते हैं ताकि हमारा जुर्म छुप जाए और हमें दुनिया के सामने में मलामत का सामना न करना पड़े। लेकिन जो जुर्म है, जो जुल्म उसने किया है, वो क्यामत तक के लिए उसकी सजा को भुगतना ही पड़ेगा। तो बारह हदीस शरीफ में दो गुनाह के बारे में यह कहा गया है कि दो गुनाह ऐसा है जिसकी सजा अल्लाह ताला दुनिया में देते हैं। इसलिए किसी गरीब को मस्त आइए, किसी की आह मत लीजिए, इत्तकी रहमतल मज़लूम, कि मज़लूम की बददुआ से बचना चाहिए, इसलिए कि उसके और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं रहता। हमारा यहाँ किसी का हक दबा सकते हैं, किसी के ऊपर ज़ुल्म ज़्यादती कर सकते हैं, लेकिन कल क़यामत में जब अल्लाह ताला एक सींग वाली बकरी को, अगर उसने बेसींग वाली बकरी के ऊपर कोई ज़ुल्म किया होगा तो उसकी भी सजा दिलाएंगे, तो हम इंसानों का अल्लाह ताला क्यों नहीं बदला दिलवाएंगे। इसलिए हम तमाम लोग अल्लाह से डरते रहना चाहिए कि हमारे हाथ से, हमारी जुबान से किसी के ऊपर कोई ज़ुल्म, किसी के ऊपर कोई ज़्यादती न होने पाए। दूसरी सजा, दूसरा गुनाह जिसकी सजा अल्लाह ताला दुनिया में देते हैं, वो रिश्ते का काटना है, वो माँ बाप को सताना है। आप देख रहे हैं कि जिसने दुनिया के अंदर अपने माँ बाप को मारा होगा उसकी औलाद उसको दुनिया में मारती, जिसने अपने माँ बाप को घर से भगाया होगा एक न एक दिन उसकी औलाद भी उसको घर से भगाएगी। आज ही सुबह का मामला है कि एक तलाक का मामला आया था, मैं सुन रहा था, पता ये चला कि बाप शराबी है। मुफ्ती अनवर साहब ने कहा ना कि शराब पीते हैं लोग, कितनी मेहनत से कमाते हैं। आप हजरात के शहर जाते हैं कलकत्ता में, देखा होगा ना, मजदूरी करते हुए, मुफ्तियागिरी करते हुए, बेचारे का पसीना यहाँ से लेकर के पैर तक बहता रहता है, और वही जब शाम जब होती है तो वही जाकर के पहले जो है डोज लेता है, तब जाकर के सोचता है, और वही जब गांव में आता है तो पाउडर लगा हुआ रहेगा, और जब जाने का वक्त आएगा तो जब उसे किराया नहीं होगा तो बीवी का जेवर गिरवी रखकर किराया लेकर के तब शहर आ जाएगा। कितनी मेहनत से आदमी कमाता है, लेकिन गवाने में घर का बराबर उसे एहसास नहीं होता। तो मैं आज बयान दे रहा था, तलाक का मामला था, तो उसने ये कहा कि हजरत मैं नशा में था, मैंने अपनी बीवी को ये अल्फाज कहे, और उन्होंने एक बात ऐसी कही जिसके ऊपर मैंने पकड़ की। उसने ये कहा कि मेरा एक बेटा है, उस बेटा ने मुझे मारा, और उन्होंने दिखाया कि यहाँ पर जख्म भी है उसी बेटा के मारने की वजह से। मैंने फौरन बेटा को बुलाया और बेटा को मैंने ये समझाया, घर से तुम्हारा बाप शराबी है, कबाबी है, हर तरह का गुनाह करता हो, इससे बढ़कर के गुनाह क्या हो सकता है, सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है, कुफ्र है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया है कि अगर तुम्हारे वालिदैन, तुम्हारे बाप, तुम्हारी माँ घर से दूसरे मजहब को अपना ले, नौज़ुबिल्लाह, कभी उसके साथ अच्छा बर्ताव करने का हुक्म है, चे जाए कि तुम्हारे बाप ने अगर शराब पी है कि तुझे मारने का हक नहीं था। तो मैंने उसे समझाया बुझाया, उसे गलती मनवाया, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ यह कि तलाक की 80 से 90 फीसद मेरा अपना सर्वे यह है कि 80 से 90 फीसद जो तलाक की नौबत आती वो शराब की वजह से आती है, वो नशा की वजह से आती है। मेरे पास सैकड़ों फतावा अभी मौजूद है जिसमें अगर आप निकालेंगे तो 80 से 90 फीसद ऐसे ही लोग होंगे। इसलिए इस दरमियान में मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि इसे माहे मुबारक इस दिन के दोपहर में हमारा नशा की चीजों से सच्ची और पक्की तौबा करें। जब आप सच्ची और पक्की तौबा करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी तौबा को अल्लाह ताला कबूल फरमाएंगे। एक बात ये, दूसरी बात मुझे ये कहनी है कि ये जमाना तालीम का है, ये जमाना एजुकेशन का है, हम तालीम का मुकाबला तालीमी से कर सकते हैं, जहालत से नहीं कर सकते। हमारे मुआशरे में और हमारी सोसाइटी में ये सबसे बदनुमा दाल ये होगा कि हम अपनी औलाद को जाहिल छोड़ जाए, इसलिए सूखी रोटी खाइए, ज्यादा अच्छा ना खाइए, लेकिन अपनी औलाद को तालीम तरबियत से आरास्ता कीजिए, ये वक्त की अहम जरूरत भी है। और इसके लिए मैं कहा करता हूँ अपने उलमा से भी, अपने आइमा से भी, अपने मकासिद के जिम्मेदारों से भी,
कि आपके पास जो रजिस्टर होता है उन बच्चों और बच्चों का रजिस्टर और नाम होता है जो बच्चे और बच्चियां आपके पास आते हैं, बल्कि आपके पास उन बच्चों के भी सर्वे होना चाहिए कि जो बच्चे अपनी गुर्बत की वजह से या माँ बाप की गफलत या लापरवाही की वजह से वो मदरसा स्कूल नहीं आ पाते हैं। ये है काम करने की जरूरत। आपने इतना लंबा चौड़ा प्रोग्राम किया लेकिन आपकी बस्ती में जो काम बुनियादी तौर पर करने का है अगर हमने और आपने अगर वो काम नहीं किया तो ये बड़ी नाइंसाफी की बात होगी। इसलिए जो स्कूल के जिम्मेदार है वो जो मकतब और मदरसा के जिम्मेदार है उसे भी मैं इल्तिजा दरख्वास्त करता हूँ कि आप हजरात आपका बच्चा अगर बड़े शहर में पढ़ रहे दरभंगा और पटना में जाकर के बड़ा से बड़ी से बड़ी डिग्री हासिल कर ले, तालीम याफ्ता घर की औरतें तालीम याफ्ता तरबियत याफ्ता नमाजी होती है उस घर के बच्चे भी नमाजी होते हैं। लेकिन आज क्या मामला है कि बच्चे घर की औरतें घर के बड़े मर्द जब वो गाना सुनते हैं तो हमारे बच्चे बच्चियां भी गाना सुनते हैं, आंख खुलती है और मोबाइल पे गाना लगा दिया जाता है और खुद भी सुनते हैं और अपने बाल बच्चों को भी सुनाती है। जाहिर है इससे बच्चों की अच्छी नस्लनुमा नहीं होती। अब्दुल रहमान साहब के पोता अब्दुल्ला हुए, नौशाद साहब के लड़के अब्दुल्ला हुए, ये जानते हैं और आप हजरात जानते हैं कि बच्चे या बच्ची की पैदाइश के बाद दाएं कान में अजान दिलाई जाती है और बाएं कान में तकबीर कहलाई जाती है। उसकी वजह यही है ताकि बच्चे के कान में जो सबसे पहली आवाज जाए वो अल्लाह अल्लाह के रसूल की जाए, शरीयत की जाए, दीन की जाए। लेकिन हमारा हाल यह है कि जब सुबह होती है तो गाने की आवाज कान में आती है तो बताइए इसका असर होगा या नहीं होगा। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी मार बहने गाली देने में बहुत आती है, गाली कुंतल के हिसाब से देती है, बैक जुबान उसी जुबान से अल्लाह अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर सुभानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अगर कहा जाए पढ़ने के लिए तो वो कहे है कि मैं थक गई मैं पढ़ने से, और अगर रोज से झगड़ा हो जाए तो एक ही सांस में इतनी गालियां दे देगी कि आदमी सोच भी नहीं सकता। इसलिए हमारे मुस्लिम माशरे की ये भी बहुत बड़ी कमी है कि हम आराम गाली देते हैं और गाली ऐसी चीज है। आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि ऐ लोगों अपने माँ बाप को गाली मत दो। साहबी ने पूछा कि अल्लाह के रसूल कोई ऐसा नसीब होगा जो अपने माँ बाप को गाली देगा, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हाँ हाँ अगर तुम किसी के माँ बाप को गाली दोगे वो भी तुम्हारे माँ बाप को गाली देंगे, तो गोया कि अपने माँ बाप की गाली सुनाने का सबब नहीं भी। इसलिए मार बहनों से मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि सबाब मुस्लिम में फुसूक वो किताल उनको कि मुसलमान का गाली देना ये इसको हुदूद है गुनाह का काम है, इसको समझा जाए अपनी जुबान को सही इस्तेमाल कीजिए। अब मैं बड़े अदब के साथ एक बात और कहता हूं कि हम लोगों की जो सोसाइटी है और जो समाज में हम और आप पलते बढ़ते हैं हमारी जुबान भी अपने भाइयों की तरह इस्तेमाल की जाए, और पहचान बसा औकात ऐसी जुबान हम इस्तेमाल करते हैं कि जिससे आदमी पहचान भी नहीं पाता है कि इस ग्रुप का आदमी है या उस ग्रुप का आदमी है। इसलिए मैं बड़े अदब के साथ ये कहता हूँ कि ये छी छाप बोलने वाली आदत धीरे धीरे खत्म कीजिए। जब आप उसके ऊपर कंट्रोल करेंगे तो आपके आने वाली औलाद इंशाअल्लाह उसके ऊपर कंट्रोल करेगी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था कि मन तसब्बह बिकौमिन फहुव मिन्हुम, कि आदमी दूसरे की कौम की मुशाबहत इख्तियार करे। आज क्या क्या मुशाबहत की बात है, मैं आया तो मैंने एक आदमी को देखा कि मोती का हार पहने हुए, मैंने एक आदमी को देखा कि वो चैन लटकाए हुए है चांदी की चैन हो या बालों की। अब ये जानते हैं कि मर्द के लिए चांदी की सिर्फ अंगूठी जायज है पहनना। अब हम शादी में सोने की अंगूठी मांग कर या हम कमा करके आए तो आपने चांदी का हार बना करके अपने गले में लगा दिया। उलमा से पूछिए, हमारे उस्ताद मोहतरम हजरत मौला कासिम साहब मुजफ्फरपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि बाज़ गुनाह दायमी हुआ करता है, आज बाज़ गुनाह आरज़ी हुआ करता है।
आरजी का मतलब यह है कि अभी भी जब तक करते रहे गुनाह होगा, जब छोड़ देंगे खत्म हो जाएगा। मतलब शराबी शराब पीता है, जब तक पीता रहेगा मुंह से बदबू आती रहेगी, गुनाह होगा। लेकिन बात होता है ऐसा है जो दाई हुआ करता है। मसलन ये चेहरे का नूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, अगर हम इसके ऊपर जो है अस्तूरा चलाते हैं तो ये ऐसा गुनाह है जो दाई गुनाह है, इससे बचना चाहिए। उसी तरीके से और क्या क्या गुनाह ऐसा है, ये हाथ पहनना, जब तक आप गले में हाथ पहने रहेंगे ये लानत बरसती रहेगी और फरिश्ते लानत करते रहेंगे, इसलिए कि आपके लिए जायज़ नहीं। इसलिए अल्लाह ने अगर आपको दौलत दी है तो आप उस हार को अपनी बहन को दे दीजिए, अपनी बीवी को दे दीजिए, अपनी बेटी को दे दीजिए, आपके लिए मुनासिब नहीं। इसी तरीके से हमारा ईमान वाला भाई जितनी उंगलियां उतनी अंगूठियां, और वो समझते हैं कि लगता है मैं बड़ी नेकी का काम कर रहा हूं, याद रखना चाहिए सिर्फ चांदी की अंगूठी वो भी एक मिकदार है, उसमें पढ़ना चाहिए। ये पत्थर की अंगूठी, ये पीतल की, ये लोहे की अंगूठियां, ये अंगूठियां पहनने की इजाजत आपको कौन देता है? बहरहाल अपना जिस्म जुस्सा को भी, अपने जाहिर को भी ईमान वाला जैसा रखना चाहिए, उसमें किसी तरह की कमी पेशी नहीं करनी चाहिए। आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तशब्बा बिकौम फहु मिन्हु, के जो आदमी किसी कौम से मुशाबहत इख्तियार करता है, तशब्बो इख्तियार करता है, उसका शुमार उन्हीं लोगों में होता है। ये दो बात हो गई। तीसरी बात मुझे जो कहनी वो ये है, जिसका तज़किरा मैंने पहले भी किया है, कि जब हम और आप एक होते हैं और जब मिल करके बैठते हैं तो उससे मिल्लत और उम्मत का फायदा होता है, और जब हम बिखर जाते हैं तो गैरों को बिखराने का, गैरों को लड़ाने का मौका मिल जाता है। इस बात को अच्छी तरह से समझिए। ये बदौल बस्ती में मैं कई साल, पिछले कई सालों से आ रहा हूं, और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम पुराने चेहरे मुझे याद भी रहते हैं और याद रखता भी हूं। लेकिन ना जाने किसकी बुरी नजर लग जाती है या किसके बहकावे में लोग आ जाते हैं कि खामखा छोटी छोटी बात को बड़ी बात बना करके पेश करके आपस में हमारा लड़ते हैं, फिरते हैं। इसलिए आज अल्लाह के आसमान के नीचे हम और आप बैठे हुए हैं, जमीन पर बैठे हुए हैं, हम आपसे ये यकीन करते हैं, आपसे हम ये वादा लेना चाहते हैं कि अल्लाह ना करे अब इंशाअल्लाह उसी नौबत नहीं आएगी, इंशाअल्लाह नहीं आएगी, मिलजुल करके इंशाअल्लाह रहेंगे, उम्मत और मिल्लत के काम में हम आगे बढ़ चढ़ करते रहेंगे। अगर कोई मामला हो जाएगा तो उसको अपने से बैठ करके हल करने की कोशिश करेंगे, इंशाअल्लाह जब ये जज्बा पैदा होगा तो अल्लाह की रहमत बरसेगी। और अगर हम लोग टूटे रहे, बिखरे रहे, दीन से दूर रहे, तो ये कोरोना किया उससे भी ज्यादा गंभीर बीमारी आ सकती है। जलजला आया, हर आदमी घर छोड़ करके दरवाजे पर मैदान में रहने लगा, कोरोना आया, हर आदमी शहर को छोड़ करके अपने घर में आने लगा, यहाँ तक के मस्जिदें वीरान होने लगी। ये अल्लाह का कहर है, अल्लाह का आज़ाब है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ईमान वालों को जन्नत में पहुँचाएंगे, तो जन्नत में जब पहुँचाएंगे तो हम लोग को जन्नत वाला अमाल भी तो करना होगा। तो ये अल्लाह ताला जो ईमान वालों को जगाते हैं, कभी कोरोना दे करके, कभी सलसला भेज करके, ताकि ईमान वाला जन्नत वाले अमाल से करीब हो। इसलिए हम तमाम लोगों को भी जन्नत वाले अमाल की करने की कोशिश करनी चाहिए। हर आदमी जानता है कि जन्नत वाले अमाल क्या है और जहन्नम वाले अमाल क्या है, वादे के मुताबिक भी दूर बच चुका है। आप हजरात की हिम्मत अफजाई, आप हजरात की बिल्कुल लिया इस तरीके से बैठ करके सुनना अल्लाह करे इसे कबूल फरमाए। और अजीजी हाजिर मोहम्मद मुशा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस मकसद के खातिर अपने वालिद और आप तमाम हजरात के मशवरे से मजलिस सजाई है, अल्लाह तबारक तआला उनके साहबजादे अजीज मोहम्मद अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर एतबार से अल्लाह तआला अपने हिफ्ज व अमान में रखे, और अल्लाह तआला उन्हें तालीम और तरबियत अच्छी से अच्छी तालीम और तरबियत करने की तौफीक और उन्हें ऐसा अल्लाह ताला होनहार बनाए जो उम्मत मिल्लत के काम में आए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك المن كله بيدك الخير كله اللهم صل على سيدنا محمد وعترته بعدد كل ما لك يا إله العالمين يا كرم الأكرمين آپ کے بندے آپ کی بندیاں آپ کھلے آسمان کے نیچے زمین کے اوپر بیٹھ کر اپنے اپنے گھروں میں بھی بیٹھ کر ہاتھ اٹھا کر کے آپ سے لو لگائے ہوئے ہیں آپ سے دعا کر رہے ہیں درخواست کر رہے ہیں التجا کر رہے ہیں اے اللہ جو دعائیں کی جا رہی ہے اپنے فضل و کرم سے اسے قبول فرما لیجیے اے اللہ یہ رات کا آخری حصہ چل رہا ہے اس موقع پر اس وقت میں آپ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں اے اللہ تمام لوگوں کی قسمت کو سوار دیجیے اے اللہ تمام لوگوں کو ایک انیک بنا دیجیے اے اللہ اس بستی کو اپنی رضا کے کام کے لیے قبول فرما دیجیے اے اللہ اس بستی اور بستی کے لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیے اے اللہ پوری مانوتا پوری انسانیت آپ پوری ملت کی حفاظت فرما دیجیے اے بارے اللہ کرونا جیسی مہلک بیماری سے پوری مانوتا پوری انسانیت کی نجات فرما دیجیے اے بارے اللہ ہم لوگ کمزور ہیں اے اللہ ہم لوگ ہر اعتبار سے کمزور ہیں آپ کی ذات طاقتور ہے اے اللہ اچھے اعمال کرنے کی طاقت نصیب فرما دیجیے اے اللہ برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجیے اے اللہ ہمارے جو مظلومین دنیا سے جا چکے ہیں سب کی مغفرت فرما دیجیے اے بارے اللہ ابھی حال میں ایک موت ہوئی تھی اے اللہ ان کی بھی خاص طور پر مغفرت فرما دیجیے ان کی قبر کو نور سے بھر دیجیے اے اللہ امت اسلامیہ کی ایک ایک فرد کی مغفرت ترقی درجات عطا فرما دیجیے اے اللہ ان موقع پر ہم نواز رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرتے ہیں انہوں نے دین کے خاطر اپنی جان دی ہے اے اللہ ترقی درجات فرماتے ہوئے ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے اے اللہ ان کے نام سے ہمارا اور ہماری امت کے افراد جو بدعات و خرافات میں مشغول ہیں اے اللہ اس سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرما دیجیے اے اللہ کے پاک رسول نے یہ فرمایا کہ میرا مقصد یہ ہے کہ میری بعثت کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ میں گانے بجانے کے سامان کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں لیکن بارے اللہ ایسے موقع پر ہم انگریزی باجے ڈی جے اور گانے بجانے کا استعمال کرتے ہیں بارے اللہ گانے بجانے والے سامان سے محفوظ رہنے اور اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرما دیجیے اے اللہ ہمارے تمام بھائیوں کے دلوں میں اس کی قباحت شناخت پیدا فرما دیجیے اے اللہ تاکہ اس سال بھی آئندہ سال بھی بلکہ پوری زندگی اس سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے اے اللہ یہ عالم کا لگانا یہ جنگی میں گھمانا اور ان کے نام سے منتیں مانانا یہ سب شریعت کے خلاف ہے اے اللہ اسے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجیے اے اللہ ہمارے گھروں میں بھی ہماری ماں بہنوں کے اندر بھی دین کی حیثیت دین کی اہمیت پیدا فرما دیجیے اے اللہ ہمارے گھروں میں بھی ہماری عورتوں کو نمازی بنا دیجیے اے اللہ ہمارے مردوں کو بھی نمازی بنا دیجیے اے بارے اللہ جناب عبد الرحمن صاحب کے واسطے سے جناب حاکم نوشاد صاحب نے مجلس مناسب کرائی ہے اے اللہ ان کے گھر میں ہر طرح سے خیر و برکت نازل فرما دیجیے اے اللہ اپنی خاص رحمت کا اپنے خاص عنایت کا معاملہ فرما دیجیے اے اللہ تمام بلا مصیبت کو دور فرما دیجیے اے اللہ بچوں کو صحت و شفا عطا فرما دیجیے اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہے ہمیں شفا عطا فرما دیجیے اے اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی سے دور فرما دیجیے اے اللہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے اے اللہ دین اور ایمان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے ایمان کی اہمیت کو اجاگر فرما دیجیے اپنے ہم بال بچیاں جو ایمان بھی بیچ رہی ہے اے اللہ تمام لوگوں کے دلوں میں ایمان کو رچا دیجیے بسا دیجیے اے اللہ اس کی قیمت کو سمجھا دیجیے اے بارے اللہ آخر میں یہ التجا ہے خاص ہے کہ ہم تمام لوگوں کے بیٹھنے بیٹھانے
दिखाने सुनने सुनाने को कबूल फरमा लीजिए और सच्ची अच्छी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दीजिए, बुरी बातों से बचने की तौफीक अता फरमा दीजिए। जिन उलमा ने बयान किया है, जिन लोगों ने नाज पढ़ी है, तिलावत की है, या जिन लोगों ने जिस तरह का तआवुन किया है, अल्लाह तमाम हजरात के बैठने बैठाने सुनने सुनाने को कबूल फरमा लीजिए और अपने खजाने गैब से हम तमाम लोगों को नवाज दीजिए। ऐ अल्लाह, रोजगार के एतबार से परेशान है, ऐ अल्लाह उन्हें रोजगार नसीब फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, जो अपने तिजारत के एतबार से परेशान है, उनकी तिजारत में तरक्की अता फरमा दीजिए। ऐ बारा अल्लाह, हम तमाम लोगों के घरों में अपनी रहमत, अपनी बरकत, अपनी इनायत अता फरमा दीजिए। اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره، ربنا توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، برحمتك يا ارحم الراحمين.